बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में से एक फिल्म देवदास को रिलीज हुए 16 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय लोगों के जहन में समाया हुआ है। गानों से लेकर फिल्म के सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया था। इस फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में पारो की भूमिका निभाने वाली ऐश्वर्या राय का किरदार पहले किसी और एक्टर को दिया गया था? जी हाँ, निर्देशक संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में पारो के रोल के लिए करीना कपूर का स्क्रीन टेस्ट किया था, लेकिन करीना की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पारो जैसे रोल के लिए वो अभी बहुत छोटी हैं, और उसके बाद ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए चुना गया। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का किरदार भी काफी अहम था, लेकिन जैकी से पहले इस रोल के लिए सैफ अली खान और गोविंदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन इन दोनों ने ही इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये रोल मनोज तिवारी के पास गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए फिल्म रिजेक्ट कर दी कि वो अब सिर्फ लीड रोल ही करेंगे।